दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल माइक से। मैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। तो अभी जो न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है रीबॉर्न के नाम से, एक जो अच्छे जो चेंजेस होने चाहिए थे, जो इंजन में थोड़ा सा लुक्स में चेंज किया है। बाकी रॉयल एनफील्ड तो अपने विंटेज लुक के लिए जानी जाती है, और ये एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी थे क्योंकि आपको पता है कि जब पहले वाली रॉयल एनफील्ड आती थी तो उसमें जब उसको चेंज किया गया, न्यू टेक्नोलॉजी उसमें लाई गई, तो उसकी अचानक से सेल बढ़ गई और यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर हो गई, जो कंपनी पहले बंद होने वाली थी। तो ऑब्वियस है कि इसका कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मार्केट में बने रहने के लिए एक अपग्रेड बहुत ज़रूरी होता है, और वो धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड ने किया है। और लुक्स के साथ ज़्यादा इसने प्ले नहीं किया, और वही इसका मेन जो है वही उसकी जान है कि क्लासिक 350 अपने विंटेज लुक की वजह से ही लोग पसंद करते हैं, और इसमें अगर इसको बिल्कुल मॉडर्न कर देंगे तो फिर वो मज़ा ही नहीं रहेगा। अगर आपको मॉडर्न गाड़ी चाहिए तो आप अदर ऑप्शंस हैं, या फिर इसी में ही एक ऑप्शन है मेटियोर, आप वो ले सकते हैं। लेकिन जो क्लासिक 350 का चार्म है वो कभी नहीं जाएगा, वो एवरग्रीन गाड़ी है। तो हम जो कलर्स हैं, जो अभी न्यू कलर आए हैं क्रोम में दो ऑप्शन हैं, क्रोम रेड है और एक क्रोम ब्रोंज है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप क्रोम ब्रोंज ले लीजिए, बहुत ही फ्रेश और नया लुक आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा कलर है। बाकी कलर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो क्रोम को बस ये है इसका डिसएडवांटेज कि उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यदि ये इसमें थोड़ा सा भी कुछ गंदा होगा या कुछ भी चीज़ होगी तो ईजिली विजिबल होगी जहाँ जहाँ क्रोम पार्ट है। और ये महंगा भी है, 215,118 एक्सोरूम प्राइस चेन्नई। तो ये क्रोम के बारे में मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया। मैं भी मैट फिनिश के बारे में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैट फिनिश कलर के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि मैट एक टाइम के बाद ग्लॉसी होता है, उसको मेंटेन करना इतना ईजी नहीं है। तो ग्लॉसी अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो ये दो कलर्स हैं। ये ब्लैक कलर है जो एवरग्रीन कलर है, जो पहले भी आता था, बस ग्राफिक्स अभी चेंज हो गए हैं, तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। जनरली ये कलर लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, बट काफ़ी समय से ये एवरग्रीन चला आ रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश लुक चाहिए तो आप एक और कलर है जो ग्रीन। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रोम से सस्ता है, 193,123, और वो 215,000 का आपको पड़ रहा था। तो अगर एक थोड़ा सा हटके अगर आपको देखना है तो आप ग्रीन कलर में जा सकते हैं, ये भी ग्लॉसी कलर है। ये मैं मतलब जो क्रोम बताया वो भी ग्लॉस तो ऑब्वियस है उसमें है, और ये दोनों जो ब्लैक और ग्रीन है ये भी ग्लॉसी कलर हैं। तो ये दोनों में से आप किसी एक में जा सकते हैं। बहुत हटके देखना है तो ग्रीन ले लीजिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है, और एवरग्रीन बिल्कुल सोचना नहीं है, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा आपको बाद में, ब्लैक ले लीजिए। तो आशा करता हूँ आपका जो कलर को लेके कन्फ्यूज़न है वो कुछ हद तक दूर हुआ होगा। कलर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न होता है, और ये सेम कन्फ्यूज़न मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने 2017 जनवरी में क्लासिक 350 ली थी। उसके पहले ही मुझे कलर का दो बार मैंने चेंज किया था, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते थे। कभी शोरूम में गाड़ी खड़ी रहे तो उसको देख के, उस लाइटिंग को देख के आप ना लें, क्योंकि वो सारे कलर अच्छे लगते हैं वहाँ पर। आप देखें थोड़ा बाहर गाड़ी को निकाल के, या जो सर्विस में आई हुई होती हैं गाड़ी, या आसपास जो दिखती हैं उनको एक बार नज़र मारें, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा, क्योंकि गाड़ी एक लॉन्ग टर्म वाली गाड़ी है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।